नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि 5 साल जनता के लिए काम किया है, जो वादे किए वो निभाए हैं और जो वादे किए गए हैं वो निभाएंगे, ये जनता को पता है और इसी को देखकर वो वोट करेगी। उन्होंने इस दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी अभी गेम में नहीं है। रीवा जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 30 में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में चालक खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि सिवनी से टमाटर लोडकर मिनी ट्रक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जा रहा था। रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल ने 8 आलतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। बताया गया कि विधानसभा चुनाव के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने कलेक्टर ने सख्ती दिखाई है। यह कार्यवाही आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। कलेक्टर ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 खा के तहत जिला बदर के आदेश दिए हैं। रेलवे द्वारा जारी किए गए परिपत्र में गाड़ी संख्या 20174 और 20173 जबलपुर रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को अब रीवा तक विस्तारित किया गया है। यह विस्तार जल्द लागू किया जा सकता है। परिपत्रक में यह दर्शाया गया है कि वह वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएगी। मंगलवार को वंदे भारत ट्रेन दोनों छोर से नहीं चलेगी। रेलवे सूत्रों की माने तो वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार को देखते हुए उसका मेंटेनेंस रीवा रेलवे स्टेशन में किया जाएगा। ऐसे में विशेष मेंटेनेंस के लिए उसे प्रत्येक मंगलवार को रवाना नहीं किया जाएगा। ग्वालियर में 12 अक्टूबर को गुर्जर समुदाय के लोगों द्वारा महापंचायत करने के सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज को लेकर मंगलवार को कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, एसएसपी राजेश सिंह चंदेल ने साफ शब्दों में कहा है, यदि ग्वालियर में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने व सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। गंगे ब्लॉक में पदस्थ ब्लॉक परियोजना अधिकारी का रिश्वत के लेन देन का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद से महिला बाल विकास विभाग रीवा में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल ये वीडियो कब का है और किसने इसे बनाकर वायरल किया है, अभी तक इसकी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। रीवा पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री, काले चौराही से शिल्पी प्लाजा करीब 2 किलोमीटर का रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ रीवा प्रत्याशी दीपक सिंह साथ रहे। उन्होंने चर्चा के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। पिछली बार भी उन्होंने परिवर्तन किया था, लेकिन उस परिवर्तन को एक और परिवर्तन में परिवर्तित कर दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या थी। लोगों के पास एक मौका आता है। 5 साल में मध्य प्रदेश की जनता बड़े सब्र से उस दिन का इंतजार कर रही है। मेहर को जिला घोषित किए जाने के बाद अब सतना को संभाग बनाए जाने की मांग तेजी से उठने लगी है। इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता राजेश दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। समाजवादी पार्टी के नेता राजेश दुबे को मंगलवार को शहर के जगतदेव तालाब में जल समाधि लेने के पहले मंगलवार को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश में अपने इस्तीफे को लेकर पूरे प्रदेश भर में चर्चाओं में आई छतरपुर की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगर को जमानत मिल गई है। वो मंगलवार की रात 9 बजे जेल से बाहर आई और जेल से बाहर आते ही उन्होंने अपने 3.5 वर्षीय बेटे समय को गले लगाया। इस बीच इस मामले में कांग्रेस भी फ्रंट फूट पर आ गई है। यही वजह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह डिप्टी निशा बांगरे से मिलने पहुंचे। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भोपाल जिला निर्वाचन कार्यालय ने उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में उपयोग किए जाने वाले 260 आइटम्स की रेट लिस्ट जारी कर दी है। इस रेट लिस्ट के अनुसार प्रत्याशी 435 रुपए से महंगी गुलाब जामुन नहीं खिला सकेंगे, जबकि कट आउट में प्रत्याशी के हाथ नीचे हैं तो 1500 रुपए और हाथ ऊपर है तो 1700 रुपए जुड़ेंगे। अब तक लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही प्रमुख खबरों के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। और अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना, आगामी विधानसभा के मद्देनजर त्योंथर में द खबरदार न्यूज की टीम ने बीजेपी, कांग्रेस और आप नेताओं के साथ खास बातचीत की है, जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को देखिए और अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में दीजिए कि और कौन से सवाल इन नेताओं से पूछने चाहिए थे।